जो सिलसिला शुरू किया है वो बाइबल मुकद्दस में खुदा के वो 10 अहकाम हैं। और मेरी पहली याद इन 10 अहकाम के हवाले से, बहुत से और लोगों के साथ भी यही होगा कि छोटे होते हमें ये 10 अहकाम जो हैं वो बाइबल स्कूल्स में, संडे स्कूल्स में, सैबथ स्कूल्स में सिखाए जाते थे। और दूसरी अहम याद ये है कि जो 10 कमांडमेंट्स मूवी है जो हमें दिखाई जाती थी चर्चेज में, घरों में, और वो बड़ी फैसिनेटिंग मूवी थी। अगरचे अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब तो एनिमेटेड उसके हवाले से भी कार्टून्स और मूवीज हैं, लेकिन उस मूवी के जो ग्राफिक्स हैं, जो बातें हैं, वो हमारे जहनों पर असर करती हैं। और हम देखते हैं कि वो 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो सिर्फ मूवीज तक महदूद नहीं है, या सैबथ स्कूल्स या संडे स्कूल्स या छोटे होने तक महदूद नहीं है, बल्कि उनकी इम्प्लीकेशन जो है वो दुनिया जहान के तमाम जो कंट्रीज हैं उनके जो लॉज हैं उनके बीच में भी हमें नज़र आती है। चाहते ना चाहते हुए भी तमाम वो जो कंपनीज हैं, जो कंट्रीज हैं, जो किसी भी हवाले से इस वर्ल्ड का हिस्सा हैं, वो उन लॉज को कहीं ना कहीं मान रही हैं। अगर वो इसको ओपनली ना माने, लेकिन हम देखते हैं कि जो ये कवानीन खुदावंद ने दिए हैं, और सिर्फ ये 10 अहकाम तक महदूद नहीं है, इसके अलावा भी खुदावंद ने कवानीन दिए हाउ टू लिव योर लाइफ, और उसके हवाले से भी हम देखते हैं इसकी जो एप्लीकेशन है ये तमाम दुनिया के साथ है। गर्चे ये कवनेंट जो है, ये अहद जो है, हम देखते हैं वो इसराइल के साथ बांधा गया। अजीज़ो, खुदावंद ने पाक कलाम में हमें बहुत से कवनेंट्स के बारे में बताया है। बहुत से कवनेंट्स हम देखते हैं, बहुत से अहद हम देखते हैं, और इस कवनेंट स्टडी को अगर हम देखें तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो खुदावंद कवनेंट बांधते हैं खुदावंद उसके लिए कुछ कंडीशंस सेट करते हैं, और बेशक वो कंडीशंस जो हैं वो खुदावंद बताते हैं, ताहम खुदावंद अपने कवनेंट को अबदी कवनेंट, इटर्नल कवनेंट कहते हैं। उसने इब्राहिम से अपना कवनेंट बांधा, उसको इसहाक के साथ रिन्यू किया। कोई भी कवनेंट उसका नल एंड वॉइड नहीं होता, जो नेक्स्ट कवनेंट आता है, नया अहद आता है, वो उस पुराने अहद की एक्सटेंशन होती है। इसी तरह उसने बुजुर्ग नूह के साथ अहद बांधा, और यहां पर भी हम देखते हैं खुरूज की किताब में, द बुक ऑफ एग्जोडस, खुदावन जो है वो अपनी कौम इसराइल के साथ अहद बांधता है। लेकिन ये 10 अहकाम देने के लिए हम देखते हैं अजीजों, उसने जो कंडीशंस हैं वो पहले नहीं बांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें, इसराइल के साथ उसने ये 10 कवनेंट्स, 10 कमांडमेंट्स जो हैं और बाकी मजीद भी जो कमांडमेंट्स हैं वो पहले नहीं दिए कि आप इनको मानेंगे तो फिर मैं आपको मिस्र की, इजिप्शियंस की, फिराउन की गुलामी से आज़ाद करूंगा। नहीं, खुदावंद ने पहले उस कौम को जो कि अफसुरदा थी, जो कि पिसी हुई थी, जो कि मजलूम थी, उसको आज़ादी बख्शी। वो जो गुलामी में थी उसकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, वो जो मखलसी मांगती थी, वो जो रिहाई मांगती थी उसको रिहाई बख्शी, वो जो उस पर कासिब थे, वो जो उस पर काबिज थे उनको हराया, पछाड़ा, और फिर खुदावंद ने उनको ना सिर्फ जिंदगी बख्शी, उनको दुनियावी सहूलतें मैया की, हम देखते हैं उनको बियाबान में खाना, मन, आसमानी रोटी दी गई, पानी दिया गया। इसके बाद खुदावंद इन अहकाम को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि जब आपने आजादी हासिल कर ली है, जब आपने मखलसी हासिल कर ली है, जब आपने सेल्वेशन को पा लिया है, तो आप उस निजात याफ्ता जिंदगी में उस पुराने तौर तरीक के मुताबिक ना चलें, बल्कि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलें, क्योंकि अब आप खुदावंद के लोग हैं। उस रिश्ते को, उस ताल्लुक को पहचाने, उसको मानी खेज बनाए जो खुदावंद ने आपके साथ बांधा है अपने फजल की बदौलत। इसराइल डिड नॉट मेरिट दैट ग्रेस, इसराइल किसी तौर पर भी उस फजल का जो हकदार था वो नहीं था कि वहां से निकाला जाता, क्योंकि वो उस गुलामी में थे जो मिस्र ने उन पर की हुई थी,
लेकिन कोई ऐसी खास बात उन्होंने नहीं की। हाँ, उन्होंने खुदावन से दुआएं की, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। खुदावन ने उन पर जो रहम किया वो अपने उस अहद के मुताबिक किया जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा था, इसहाक के साथ बांधा था। इसीलिए टू अंडरस्टैंड द कवेनेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने इब्राहिम के साथ अहद बांधा, फिर इसहाक के साथ जो इब्राहिम का इकलौता था। इस बात को हम याद रखें क्योंकि वो उसकी पहली बीवी सारा से उसका इकलौता बेटा था। बेशक उसकी और औलाद भी थी इब्राहिम की, ताहम जो वादे का फर्जंद था, जो प्रॉमिस्ड सन था, वो इसहाक ही था। तो अजीजो, ये खुदावंद ने उनके साथ किया, और हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे खुरूज उसका 19वां बाब और 4वीं आयत। कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। खुदावंद एक खूबसूरत इमेजरी यूज करते हैं, उकाब। उकाब जब है अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है जब वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो उनको उनके घोंसले से जो है वो नीचे लेकर आता है, लेकिन चूंकि वो खुद उड़ नहीं सकते तो वो फिर अपने परों पर लेकर उनको दूसरी जगह लेकर जाता है, अपने परों पर बिठाकर। और खुदावंद ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो एक कमजोर कौम थी। इसराइल डिडंट हैव एनी मसल्स टू एक्चुअली फ्लाई देमसेल्व्स। वो उस गुलामी से बाहर नहीं निकल सकते थे। खुदावंद उन्हें उकाब की मानिंद अपने परों पर बिठाकर उस गुलामी के मुल्क से बाहर लेकर आया, अपने बुलंद हाथ से वो उनको वहां से लेकर आया। और अजीजो, यही वो बात है जो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि उसका प्यार था ये। और फिर आगे वो जो उनसे बातें करता है, आज जो इब्रानी वर्ड हमने सीखा है दवारीम, वो भी हम उस पर भी गौर करेंगे, क्योंकि जो खुदावंद के अहकाम हैं, ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं, इसका मेन रेफरेंस कहाँ पर है? खुरूज के 20वें बाब में। आप खुरूज का 20वां बाब उसकी पहली 17 आयात पढ़ें, एग्जोडस चैप्टर 20:17, तो आप खुदावंद के इन 10 अहकाम से वाकिफ होंगे। हम इसको अहकाम कहते हैं, हमारी बुक्स में भी, शायद जो बाइबल्स हैं उनमें भी ये अहकाम के हवाले से उनकी टाइटल बना हो। लेकिन 20वें बाब की पहली आयत हम पढ़ेंगे कि खुदा ने ये सब बातें फरमाई। तो ये बातें थी, खुदावंद ने उनसे बात की। खुदावंद जब उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, तो खुदावंद ने सब जो बातचीत थी वो किसके साथ की? वो मूसा के साथ की। खुदावंद ने उनको ये नहीं कहा कि ये वाला हुक्म मानोगे पहला, ये दूसरा हुक्म मानोगे फिर मैं निकालूंगा, खबरदार इस मुल्क में से निकलने की तुमने कोशिश की, ये हुक्म मानोगे नहीं। खुदावंद ने उनको उस गुलामी में से, हम में से बथेरे हैं जो शायद गुलामी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सी जगहों पर, बहुत सी कंट्रीज में जहनी गुलामी है, हमारी जबान बंदी है, हम सच नहीं बोल सकते या हकीकत बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हकीकत बयान करें तो जो है सच बहुत से लोगों को कड़वा लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा गुलामी ये कि आपके अगर बच्चों को भी जो है वो दरियाओं में फेंका जा रहा है, आप अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से पहन नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपको जो है वो रॉ मटेरियल नहीं दिया जा रहा, और आप उसके लिए भी मारे मारे फिर रहे हैं। गुलामी जो है, जो स्लेवरी है, दैट इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इसीलिए जो बाइबल का मेन मकसद है वो सेल्वेशन है, निजात है। किससे? गुलामी से, फिजिकल बॉन्डेज से भी, फिजिकल स्लेवरी से भी, और स्पिरिचुअल स्लेवरी से भी, जो कि गुनाह है। खुदावंद यीशु मसीह क्यों आए? कि वो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करें। और क्या उन्होंने कहा कि नहीं पहले मानो सारे कलाम को, बाइबल को पढ़ोगे? नहीं, बल्कि वो कहता है कि अब जब हम गुनाह ही में थे तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। लेकिन जब उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया, जब हम पर फजल हो गया, तो ये हम पर वाजिब है कि जब उसने हमसे प्यार दिखाया तो हम भी उस प्यार को रेसिप्रोकेट करें, उस प्यार का जवाब प्यार से दें, और इस कवनेंट को, जो कि मैरिज का कवनेंट है, शादी का कवनेंट है, मैरिज के कवनेंट की तरह ही लें, प्यार से, मोहब्बत से, अपने दुल्हा के लिए, अपने ग्रूम के लिए, जो कि फिर हमें लेने आने वाला है, हम तैयार हों।
वो कहता है पाक बनो क्योंकि मैं भी पाक हूं। तो पाक आप कैसे बन सकते हैं? बेशक उसके लहू के वसीला से और उसके कलाम उसकी मर्जी को जानने के बाद। अजीजों, हम खुदा उनके कलाम में से ये खूबसूरत हवाला देखेंगे जो कि साम 34 में से है, 34वां जबूर और उसकी 7वीं आयत। वक्त की कमी के लिए मैं उसको पैराफ्रेज आपके लिए कर देता हूं कि चेक कर देखो कि खुदा उन कैसा मेहरबान है। ऑल यू गॉट टू डू इज ट्राई। जैसे गुलामी में से, जैसे हम अपनी बॉन्डेजेस में हैं, हम में से कई लोग आज भी अपनी बहुत सी बॉन्डेजेस में हैं। कोई बीमार है जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, किसी को और किसी जो है माली मदद की जरूरत है, किसी को और किसी किस्म की मदद की जरूरत है। इंसान कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन खुदावंद जरूर कर सकता है। देर आर मैनी बर्डन इन एंड अराउंड अस। अगर हम खुरूज उसके 6 बाब में जाएं, एक्सोडस चैप्टर 6 और उसकी वर्सेस 6 और 7 पढ़ें, तो वहां पर लिखा है, सो तू बनी इसराइल से कह के मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों से के नीचे से निकालता हूँ। आमीन। अजीजो, जिस तरह उसने इसराइल को मिस्रियों के, इजिप्शियंस के बोझों से निकाला, इसी तरह खुदावंद खुदा जो कल और आज बल्कि अब तक एकसा है, मैं आज आपको ये गुड न्यूज देना चाहता हूं कि वो आपको आपके हर बोझ से आजाद करने की ताकत रखता है, बशर्ते के हम उसकी कौम बनना चाहते हैं। खुदावंद चाहता है कि मैं तुमको ले लूं, तुम कौम मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूं। और उसने ऐसा ही किया है, उसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए भेज दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसके लहू को ले लेने के बाद दर हकीकत हम उन बोझों से आजाद हो जाते हैं। और ये बोझों का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ खुरूज तक नहीं है। खुदावंद यसुल मसीह मत्ती की अंजील में, मैथ्यूज गॉस्पल में कहते हैं कि थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। देर ही इज एक्चुअली आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ जस्ट लाइक जैसे खुदावंद ने यहां पर कहा है, आसमानी बाप ने जैसे एक्सोडस 6 में कहा है कि मैं तुमको तुम्हारे बोझों से रिहाई दूंगा। खुदावंद यसुल मसीह भी उसी अथॉरिटी और इस इख्तियार के साथ हमें नजर आते हैं जो हमें बोझों से रिहाई दे सकते हैं। कोई इंसान आपको बोझों से रिहाई नहीं दे सकता, लेकिन खुदावंद यसुल मसीह ये दावा करते हैं और वो सच्चे हैं क्योंकि वो ऐसा करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। अजीजो, खुदावंद जो हमें नजात और आजादी बख्शते हैं, दर हकीकत ये कंप्लीट पैकेज है। इट्स नॉट डन लाइक इन अ वन स्टेप प्रोसेस। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है क्योंकि जो पिक्चर ऑफ सेल्वेशन है, यानी नजात की जो तस्वीर है या जो नजात का प्रोसेस है, मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूं लेकिन क्विकली बताता चलूं, ये 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप्स में है। पहली स्टेप क्या है कि आप जस्टिफाइड हैं, यू हैव बीन जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ गॉड। आपका अजाला हो गया है, आप पर बख्शिश हो गई है। मेरे साथ देखें इफिसियों उसका 2 बाब, इफिजियंस चैप्टर 2 verses 4-8, इफिजियंस 2 verses 4-8। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं। आमीन। सो हमें नजात मिली है। नजात मिली है, कैसे मिली है? खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से मिली है। हम इसके अलावा भी यूहन्ना के 1 बाब में भी पढ़ते हैं, जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 1 में, जहां पर
खुदावंद यसुल मसीह को क्या कहा जाता है, वो बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, वो हमारे बोझों का गुनाह उठा ले जाता है, बोझ लेके जा रहा है और हमें क्या बख्श रहा है उसके बदले, निजात बख्श रहा है। सो हमें निजात कैसे मिली है, खुदावंद यसुल मसीह के लहू के वसीला से, किसी बछड़े किसी गाय के किसी बैल के लहू के वसीला से नहीं, बल्कि यसुल मसीह के पाक और बेशकीमत लहू के वसीला से हमें निजात मिली है। That is the means of our salvation. But we need to be sanctified, we need to be purified daily, because this is a process, this is a continual process. Agar hum is ayat ko padhe, First Peter, pehla patras ka khat, pehla bab, uski 13 se 16 ayat. Hai na bete, aap English mein bhi padh dein. Pehla patras, uska pehla bab, और 13 से 16 आया। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के जहूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। पाक हो, पाक होते जाओ, मैं भी पाक हूं। यू कैन नॉट डू दैट इन वन स्टेज, सो यू गॉट टू हैव दिस कंटीन्यूअस प्रोसेस। जी बेटे, देयरफॉर गिर्ड अप द लोइंस ऑफ योर माइंड, बी सोबर एंड रेस्ट योर होप फुली अपॉन द ग्रेस ऑफ दैट इज टू बी ब्रॉट टू यू एट द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, एज ओबीडिएंट चिल्ड्रन, नॉट कंफॉर्मिंग योरसेल्व्स टू द फॉर्मर लस्ट्स इन योर इग्नोरेंस, बट एज ही हू कॉल्ड यू इज होली, यू आल्सो बी होली इन ऑल योर कंडक्ट, बिकॉज़ इट इज रिटन, Be holy, for I am holy. Yeah. और बेटे Philippians 1:6 भी पढ़ दो। फिलिपियों का खत पहला बाब और छठी आयत। Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Amen. Yeah. So the work has been started, but it needs to be completed. Mm-hmm. आप इस चीज को देखें, फिलिपियों पहला बाब और उसकी छठी आयत में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करवाए कर देगा। आमीन। सो खुदावंद ने निजात दी है, उस निजात को हम कबूल करते हैं ईमान के वसीला से, लेकिन वो नेक काम हमारी जिंदगियों में शुरू होता है कि हम सैंक्टिफाई हों। हम जस्टिफाई हो चुके हैं, बट वी नीड टू बी सैंक्टिफाइड, और अगर हम सैंक्टिफाइड होंगे तो हम जो यीशु मसीह का दिन आ रहा है, द ग्रेट डे आ रहा है, उस पे हम ग्लोरीफाई भी हो सकेंगे। सो इट्स अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद जस्टिफिकेशन एंड एंड्स विद ग्लोरीफिकेशन। हालेलुया। मेरे साथ देखिए यसाया उसका 25वां बाब और 9वीं आयत, बेटे यसाया 25:9। और उस वक्त क्यों होगा, यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा, ये खुदावंद है, हम इसके इंतजार में थे, हम इसकी निजात से खुश और खुरम होंगे। हम उसकी निजात से खुश और खुरम होंगे। सो दिस इज फ्यूचर टेंस। अभी हम में नेक काम हो रहा है, अगर हमने उसकी निजात को जस्टिफिकेशन को कबूल कर लिया है, वी आर बीइंग सैंक्टिफाइड, और फिर हम ग्लोरीफाई होंगे, हम उसकी निजात से खुश होंगे, हम उसके यशुआ से खुश होंगे, जो कि खुदावंद यीशु मसीह का इब्रानी नाम है, जिसका मतलब ही निजात है, सैल्वेशन है। हालेलुया। जी बेटा, Isaiah chapter 25 verse 9, and it will be said in that day, behold, this is our God, we have waited for him and he will save us. This is the Lord, we have waited for him, for we will be glad and rejoice in his salvation. आमीन, आमीन, आमीन। सो अजीजो, अगर हम इस तनाजर में देखें कि खुदावंद ने अपने ये आयन, ये अहकाम, ये 10 अहकाम जिनके हवाले से हम हर हफ्ते सीखेंगे नेक्स्ट वीक्स में, पहला हुक्म फिर दूसरा हुक्म, दरअसल वो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो वो उसकी बातें हैं, वो बहुत अहम हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो कवनेंट अपनी कौम के साथ बांध रहा है, अहद बांध रहा है अपनी कौम के साथ, और खुदावंद के अहद जो होते हैं वो अबदी अहद होते हैं, दे आर इटर्नल कवनेंट्स। इसीलिए वो जब नए अहद की भी बात करता है, ब्रित हादशा की या न्यू कवनेंट की बात करता है, तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो भी इसराइल के साथ बांधा गया है। जेरेमाया में
यर्मिया की किताब में वो कहता है कि मैं अपना नया अहद इसराइल और यहूदा के साथ बांधूंगा और मैं अपने अहकाम पत्थर की नहीं बल्कि दिल की तख्ती पर लिखूंगा। तो दिल की तख्ती पर खुदावंद के अहकाम लिखने का क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि हम उनको सिर्फ लेटर ऑफ द लॉ ना समझें बल्कि स्पिरिट ऑफ द लॉ में समझें। जी हाँ अजीजों, उन अहकाम को हम बराए नाम ना करें बल्कि दिल से खुशी से करें कि ये मेरे खुदा के अहकाम हैं जो उसने अपनी जान देकर अपने बेटे का लहू बहाकर हमें बख्शे हैं। अगर हम उनको इसलिए करते हैं कि हम उन आयन अहकाम की बजावरी की वजह से बच जाएंगे, तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सिर्फ आयन और अहकाम की बजावरी की वजह से बच जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है हर शख्स ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो अजीजो, एवरी पर्सन फॉल्स शॉर्ट ऑफ फॉलोइंग द कमांडमेंट्स, बट दैट डज नॉट मीन एट ऑल कि हम ओबीडियंस ना करें, हम खुदा के अहकाम ना माने और ये कहें कि आयन और अहकाम जो है या खुदा की शरीयत जो है वो कीलों से जड़ दी गई है। हरगिज नहीं, वो तो वो चार्जशीट है, वो तो जो इल्ज़ाम हैं वो कीलों से जड़ दिए गए हैं। खुदावंद ने कभी किसी मौके पर भी अपने आयन अहकाम को कीलों से नहीं जड़ा। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से देखते चलें, क्योंकि ये बात अहम है, हम जो कवनेंट है उसके हवाले से भी सीखते जाएंगे। मेरे साथ बल्कि देखते चलें खुरूज 24 उसका 7-8 आए, एक्सोडस 24:7-8। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है हम उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। आमीन। ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने तुम्हारे साथ बांधा है। और खुदावन यसुल मसीह भी जब फसा किया जो तैयारी का खाना है वो खा रहे थे, तो उन्होंने भी जब वो मैं ली और कहा कि देखो ये वो खून है, नए अहद का खून है जो बहुतों की निजात के लिए बहाया जाता है, तो तब भी वो दरअसल उस कवनेंट को रिन्यू कर रहे हैं, जैसे मूसा ने वो कवनेंट रिन्यू किया जो कि पहले इब्राहिम के साथ बांधा गया, इसहाक के साथ बांधा गया और फिर खुदावंद ने इसराइल के साथ बांधा और वहाँ पर मूसा जो है वो खून बहाता है। खुदावंद यसुल मसीह भी उसी कवनेंट को जब रिन्यू करते हैं, नया करते हैं, तो वो अपना खून बहाते हैं, पाक खून बहाते हैं, बेशकीमत खून बहाते हैं, क्योंकि जब कवनेंट सील होता है, जब अहद को बांधा जाता है, तो खून बहाना लाजमी था। और यही हम देखते हैं इब्राहिमिक कवनेंट में भी, क्योंकि इब्राहिम ने जब खुदावंद के साथ अहद बांधा तो उसने भी जो कुर्बानियां ली उनको दो हिस्से कर दिया और फिर लिखा है कि मशाल उनमें से गुजरी जिसने उनको कंज्यूम कर लिया, उस अहद को कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमेट किया, उसको रासिख किया। और यहाँ पर भी हम ऐसा ही देखते हैं। पर मेरे साथ देखते चलें इससे पेशतर कि हम इसको कंक्लूड करें, रोमन्स 3:19-20। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। आमीन। अजीजो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग इस चीज को ये समझते हैं कि शरीयत जो है क्योंकि उसके वसीला से कोई शख्स खुदावंद के नजदीक नहीं पहुंच सकता तो हम उसको ना माने। लेकिन अगर ये पेन मेरे कान पर है तो ये मुझे नजर नहीं आ रहा, ये मुझे किस वक्त नजर आएगा? जब मैं शीशा देखूंगा तो तब मुझे पता चलेगा मेरे कान के ऊपर पेन रखा हुआ है। इसी तरह शरीयत हमें जो है वो आगाही बख्शती है कि हमसे कोई गुनाह हुआ है और उस गुनाह के हवाले से हम खुदावंद के पास जाएं और उससे उसके प्यार को, मोहब्बत को, शफकत को, फजल को मांगे, क्योंकि ये उसका फजल ही है जो हमें हमारे गुनाहों से रिहाई बख्शता है। लेकिन शरीयत क्या करती है कि शरीयत हमें उस गुनाह की पहचान देती है। और गुनाह क्या है? गुनाह की डेफिनेशन बाइबल के मुताबिक शरीयत की अदूली है, यानी खुदावंद के हुक्म को ना मानना,
शरीयत को ना मानना, फर्स्ट जॉन में लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना के खत में, कि गुनाह शरा की मुखालफत है, जो खुदावंद की शरीयत की मुखालफत करता है, उसके ऑपोजिट जाता है, वो गुनाह करता है। तो पौलुस जो हमें समझा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शरीयत हमें गुनाह के हवाले से आगाह भी करती है और हमें बताती है कि हम गुनाह ना करें, ये नहीं कि हम शरीयत को ना माने। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि शरीयत के ऊपर सिर्फ तकिया करके हम नहीं जा सकते खुदा के पास, हमें ईमान रखना है। ईमान क्या रखना है? कि खुदा यसु मसीह ने हमें अपने लहू से जस्टिफाई किया है और हमें फिर हर रोज सैंक्टिफाई होने की जरूरत है, कलाम को जानने की जरूरत है, उसकी मर्जी को जानने की जरूरत है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम ओबीडियंस ना करें, इसलिए कि ओबीडियंस बेशक, बेशक मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, उससे हमारी निजात नहीं होती, लेकिन ओबीडियंस हमारी निजात याफ्ता जिंदगी को जाहिर करती है। क्योंकि सेल्वेशन जो है, निजात जो है, वो हम खुदावंद के फजल से अर्न करते हैं, लेकिन ओबीडियंस जो है वो उस फजल का जो हमारी जिंदगी पर हुआ है उसका फल है। अगर ये फल हमारी जिंदगी में नहीं है कि हम उसके कलाम की, उसकी आवाज की ताबेदारी नहीं कर सकते, अजीजो, तो आप उस फजल को जाया कर रहे हैं। उस फजल का फल वो ओबीडियंस है, वो ताबेदारी है, वो फर्माबरदारी है जो उसकी मर्जी को जानने और अपने आप को पाक करने में है, उस कंटिन्यूस प्रोसेस में, जिसको हम बपतिस्मा के मौके पर कहते हैं कि हमारा पुरानी इंसानियत खत्म हुई और नई इंसानियत में हम जन्म ले रहे हैं। तो नई इंसानियत में आपने आगे बढ़ना है, वहीं पर रुक तो नहीं जाना। बपतिस्मा कोई आखिरी कदम नहीं है आपकी निजात याफ्ता जिंदगी का, बल्कि बथेरों की जिंदगी का पहला कदम है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, ओबीडियंस टू हिज वर्ड्स दवारीम इज द फ्रूट ऑफ सॉल्वेशन। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, और ये चीज जो है अगरचे बहुत आसान है, बहुत सादा है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इसलिए मुश्किल है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो उस फजल को समझे ही नहीं, वो खुदावंद की मर्जी को जाने ही नहीं, वो खुदावंद के प्यार को जाने ही नहीं। क्योंकि खुदावंद ने जब अपने आयन और अहकाम दिए तो वो इसलिए दिए कि आप बाकी लोगों से, बाकी दुनिया से अलग हो, उसकी खास कौम, उसकी खास मिल्कियत, बल्कि शाही कायनों का फिरका हो। अगर कोई औलाद जो है वो एक खास तरीके से खुदावंद की परस्तिश कर रही है, या अपनी जिंदगी गुजार रही है, या पढ़ रही है, या खाना खा रही है, तो आप कहते हैं कि इनको सिखाया गया है, ये तमीजदार हैं, अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो जो जिनको सिखाया ना जाए, या जिन्होंने अपने माँ बाप की बात ना मानी हो, डिसोबीडियंट हो, तो वो अपने माँ बाप के लिए भी शर्मिंदगी का बायस होते हैं, और खुद भी वो उस फजल को, उस ब्लेसिंग को, उस एंड गोल को अचीव नहीं कर सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट आई मस्ट से कि यू कैनॉट अर्न योर सेल्वेशन थ्रू जस्ट ओबीडियंस। योर सेल्वेशन इज बेस्ड ऑन फेथ, यस, बट the obedience is the fruit of salvation, and if your life does not have this fruit, then you must come unto God. aapko azizo aaj ki sham main ye daawat deta hu ki aap apni salvation ko, apni najat ko, uski ahmiyat ko, uski importance ko, khuda unke pyar ko samjhe, isliye ki usne aap se, aapki najat ke hawale se kisi bhi baat ko dareg nahi kiya, usne अपनी सबसे कीमती चीज को, अपने बेटे को, उसके लहू को कोहे कलवरी पर बहा दिया ताकि आप उस निजात को हासिल करें। ये आप पर निर्भर है कि आप उस निजात को कबूल करते हैं या नहीं, या आप ऑप्ट आउट करते हैं कि नहीं, यीशु ने सब कुछ कर दिया है, मैं अब बाप की आवाज को, जो कि उसका कलाम है, नहीं मानूंगा। या दूसरा रास्ता ये है कि आप कहते हैं, हाँ आए बाप, मैं तेरी आवाज का शिनवा हूं, मेरे कान सुनने वाले बना ताकि मैं तेरे कलाम पर, तेरी मर्जी पर चलने वाला बनूं। खुदावंद आपको आज के प्रोग्राम से बरकत बख्शे। हम नेक्स्ट वीक जो है फर्स्ट कमांडमेंट के हवाले से, फर्स्ट दवारी, पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट के हवाले से सीखेंगे, जो कि कलाम मुकद्दस में है। बिल्कुल, क्योंकि ये
इत्तेफाक से, खुदावन के इत्तेफाक से, मैं हमने प्लान नहीं किया था, पेंटिकॉस्ट का टाइम भी होगा नेक्स्ट सैबत से, और पेंटिकॉस्ट पर खुदावन के कलाम की रिवायत है कि जिस तरह पाक रूह नाजिल हुई हम अमाल में देखते हैं, उसी तरह पेंटिकॉस्ट पर खुदावन ने अपने ये दस अहकाम भी दिए, और हम उसी वक्त इस ब्लेसिंग को, इस सीरीज को शुरू करेंगे जो उसके अहकाम के हवाले से है। आज के दौर में ये कैसे पर्टिनेंट है, खुरूज उसका 20वां बाब और उसकी जो दूसरी आयत है, इनफैक्ट पहली आयत है, खुदा ने ये सब बातें फरमाई, खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र और गुलामी के घर से निकाल कर लाया मैं हूँ। खुदावन अपना तारफ उनसे करा रहा है, अपना नाम यहोवा नाम उनके साथ इंट्रोड्यूस करा रहा है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। खुदावन आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरे रूप का बेटे चाहिए तेरे रूह का।
शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी आवाज के लिए, आप सबों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास हैं, हम उनको खुदावंद के सामने रखते हैं और खुदावंद से यही दुआ है कि आप जहां पर हैं अभी आप इसी वक्त हमारे साथ दुआ में शामिल हो। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी दरख्वास्त है, आप चाहे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगर आप उसको खुदावंद के साथ शेयर करना चाहते हैं सिर्फ, तो आप खुदावंद के साथ जरूर शेयर करें। अजीजो, वो ऐसा खुदा है जो हमारे दिल की आवाज भी जानता है, ताहम वो चाहता है कि आप उससे बात करें, आप अपने लबों को उसके हजूर खोलें। इस वक्त मैं आप सबों को दावत देता हूं कि आपके दिल का जो बोझ है उसे खुदावंद के हजूर उंडेलें, जो भी बोझ है उसे खुदावंद के हजूर उंडेल दें और अपने लिए उसके शालोम को, उसकी तसल्ली को मांगे। जिन बहन भाइयों के लिए हमने दुआ की है, जिन बुजुर्गों के लिए हमने दुआ की है, हम विल्सन भाई की मामा के लिए हर रोज दुआ गो हैं कि खुदावंद उन्हें शिफा दें, खुदावंद उन्हें कामिल सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। इसी तरह हम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ गो हैं, हम उनके लिए बरकत, जिंदगी, सलामती चाहते हैं। अपने बहनों भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, आप सबों के लिए जो कलाम को, खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं, खुदावंद आपको बरकत बख्शे और अपने कलाम में उसकी आवाज़ को सुनने में मजीद सरगर्म करें, सरगर्म करें। हमारी खुदा ताला से यही दुआ है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तो अपने लोगों पर रहम कर, अपने फजल की बख्शिश को जारी कर खुदावंद। जो नेक काम है खुदावंद, जो खुदावंद उनकी सैंक्टिफिकेशन का, तूने जो है खुदावंद उनकी जस्टिफिकेशन का काम किया, उनकी सैंक्टिफिकेशन का काम जो उनकी जिंदगियों में शुरू किया खुदावंद, उसे पाए तकमील तक पहुंचा, ताकि खुदावंद जब तू आए तो आए खुदावंद वो उस ग्लोरिफिकेशन में दाखिल होने वाले हो, वो ग्लोरिफाइड बदनों के साथ, वो जलाली बदनों के साथ तेरी होशाना के नारे लगाने वाले हों, खुदावंद बर्रा की शादी में शरीक होने वाले हों। हालेलुया खुदावंद, और हम भी आए खुदावंद तेरी हमद सना गाने वाले हों, खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत आए खुदावंद तेरी पाक मर्जी और पाक रूह की हिदायत से की है। आए खुदावंद जो ये खास मौजू है, या खुदा तेरे दवारीम, तेरी बातें जो तू अपने लोगों से करना चाहता है, सिर्फ इसराइल के साथ नहीं बल्कि अपने तमाम बेटे बेटियों के साथ करना चाहता है, खुदा तौफीक दे कि उसे तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों के साथ शेयर करने वाले हों। आए खुदा लोगों के दिलों को नरम कर, पाक रू की बारिश को आए खुदा भेज, आए खुदा जस्ट लाइक फॉर्मर एंड लेटर रेन्स, आए खुदा अपने लोगों की जिंदगियों को, ऐ खुदा उनके दिलों की जमीन को तैयार कर, ताकि ऐ खुदा तेरे पाक कलाम का बीज इस तौर पर बोया जाए कि वो फलदार हो, ऐ खुदा वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदार हो ऐ खुदा, और ये जिंदगियां तेरे नाम के लिए ऐ खुदा ना सिर्फ खुद ऐ खुदा जीती जाए बल्कि ऐ खुदा ये जिंदगियां जो तेरे कलाम को सुनती हैं औरों के पास तेरे कलाम को लेकर जाने का वसीला बने। खुदा एक शमा से कई शमाएं जलती जाए, खुदा कई मशलें रोशन हो, खुदा जिनकी मशलें भी रोशन हो और जिनकी कुपियों में भी तेल हो। हालेलुया खुदा हमारी दरख्वास्त को, मिन्नत को, फरियाद को सुन, अपने बेटे हमारे मुनज्जी यशुआ मशियाह यसुल मसीह नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें, यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें, यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। इसराइल की सलामती हो आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।